Srimati Kahkashan Perween. बहुत-बहुत शुक्रिया उपसभापति महोदय के मुझे विनियोग संशोधन विधेयक में बोलने का मौका आपने दिया। हम सभी जानते हैं कि औरतें हर काम बहुत अच्छे से अंजाम देती हैं। जब माननीय मंत्री जी ने इसकी झलक माननीय मंत्री जी ने कर दिखाई, जब इन्होंने बजट पेश किया, बजट पेश करने के समय और दोनों सदनों में जब बजट पर चर्चा हुई उसके समय जो इन्होंने जवाब दिया तो एक बूंद पानी भी नहीं लिया और जवाब देती चली गई। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देती। महोदय, इन्होंने अपने बजट ना बल्कि बही खाते में हर लोगों का ख्याल रखा है और समाज के हर तबके के लोगों का ख्याल रखा है। इन्होंने देश के हर नागरिकों तक शौचालय, बिजली, रसोई गैस, पानी आदि जैसी सुविधाएं इन्हें मुहैया कराने का काम इन्होंने किया है। बजट में एक और अच्छी बात जो है वो अर्थव्यवस्था को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए इन्होंने पैन कार्ड की जगह पर आधार को इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए जो इन्होंने किया है, इसमें अपने बही खाता में जो इन्होंने प्रोविजन किया है, ये बहुत ही यानी बहुत अच्छी बात है। महिलाओं पे आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास जो किया गया है इनके तरफ से कि जो हमारी जनधन खाता में जो महिलाएं हैं और उन्हें 5000 रुपए का ओवरड्राफ्ट देने की जो बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है। इससे आधी आबादी को ताकत मिलेगी और आत्मनिर्भर बनेंगी। महोदय, मैं हम सभी जानते हैं कि औद्योगिक उत्पाद के सूचकांक में गिरावट आई है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्था ने भी ग्रोथ की अच्छी संतोष कर आराम करने योग्य नहीं बताया है। इसके लिए हमें काम करना होगा और इस पर ध्यान भी देना होगा। महोदय, जब 1929 में अमेरिका मंदी के तौर से गुजर रहा था तो वो डिप्रेशन में आ गया था और उसने रोजगार बढ़ाकर ही इसका हल ढूंढा। जब उद्योग में गिरावट आएगा तो रोजगार में गिरावट आएगी और रोजगार में गिरावट अगर आएगी तो उपभोक्ता में खरीदने की क्षमता घटेगी और उत्पादन में कमी आएगी तो फिर बेरोजगारी बढ़ेगी। लेकिन एन केन प्रकारन वृद्धि भी स्वागत योग्य नहीं है। महोदय उद्योग बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगा तो उपभोक्ता में खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, उत्पादन में वृद्धि होगी तो हमारी बेरोजगारी दूर होगी। ये एक चेन है। महोदय, मैं आपने कृषि पे जो बात कही है बजट में, ये 70% लोग हमारे कृषि पर ही निर्भर हैं और सरकार ने बहुत सारी योजनाएं कृषि पर चलाई हैं, चाहे वो किसान की आय को दुगनी करने के लिए स्वयं हेल्प कार्ड हो या फिर नीम कोटेड यूरिया के बात हो, कृषि उपकरण केंद्र बैंक की बात हो या फिर फसल बीमा योजना हो, और सबसे अच्छी बात जो है किसान सम्मान निधि योजना है। मैं महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित कराना चाहूंगी कि जब अभी शुक्रवार को ही एक मंत्री जी के जवाब में ये था कि राज्य सरकार द्वारा जो सूची है वो सूची में और बैंक में की सूची में भिन्नता रहने के कारण बहुत किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई खाता अगर खुलवाने जाते हैं तो आधार को या फिर अपने पहचान पत्र से ही उनका खाता खुलता है। यह सरकार अगर कोई सूची बनाती है तो वो आधार या फिर पहचान पत्र में ही उसकी सूची बनती है, तो विसंगतियां कहाँ हुई? इस विसंगतियों को दूर करने के लिए जवाबदेही तय करनी होगी। अगर हम विसंगतियों को दूर करने के लिए फिर अगर हम भेजते हैं राज्य सरकार को तो अच्छी बात है, लेकिन इससे अगर देरी होती है तो कहीं ना कहीं किसान इसका लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। इस पर हमें ध्यान देना होगा। महोदय, मेरा अब सुझाव ये है कि आधारभूत संरचना में निवेश को बढ़ाएंगे हम तो इससे लोगों की बेरोजगारी दूर होगी और समस्या का भी निदान होगा। औद्योगिक उत्पाद के सूचकांक की स्थिति इसे सुधरेगी। रेपो रेट की बात हम जो करते हैं, रेपो रेट में गिरावट का फायदा बैंक कस्टमर तक पहुंचाए, सरकार इसको सुनिश्चित करे। आरबीआई जब अपना रेपो रेट घटाती है लेकिन बैंक उसी अनुपात पे ग्राहकों को उसका लाभ नहीं देता है, ये सरासर
बेईमानी है, ये उनके साथ अन्याय है, इसको दूर करने की जरूरत है। कृषि के आय तो आपने बढ़ाया है, ये स्वागत योग्य, लेकिन इसका लाभ किसानों तक सही वक्त पे पहुंचे इसको सुनिश्चित करें और जवाबदेही भी हम तय करें। एक तरफ सरकार महिलाओं के कल्याण और उत्थान के लिए और बच्चों के कल्याण उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं बना रही है, चाहे वो सामाजिक हो, शैक्षणिक हो या स्वास्थ्य पे हो, और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बना रही है। लेकिन मेरा ये है कि निर्भया फंड में जो फंड किया गया है वो खर्च नहीं हो पा रहा है, इसके लिए भी जवाबदेही तय करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद काकासाह जी।